नमस्कार, अलीराजपुर लाइव में आपका स्वागत है। मैं इस समय मौजूद हूँ अलीराजपुर के फॉरेस्ट डाक बंगले में। हमारे साथ मौजूद हैं अलीराजपुर के विधायक मुकेश पटेल, जिलाध्यक्ष महेश पटेल और सेना पटेल जो कि नगर पालिका अध्यक्ष हैं। चुनाव जीतने के बाद पहली मुलाकात है आपके लिए, हम कुछ सवाल करेंगे। पहले आपको बहुत बहुत बधाई। जिन मुद्दों के आधार पर आपने चुनाव लड़ा, वो मुद्दे क्या थे और उनको कैसे आप समस्याओं को दूर करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, मीडिया कर्मी जितने भी हैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। आप लोगों का भी सहयोग अच्छा रहा और प्रशासन का भी सहयोग अच्छा रहा। और बाकी मुद्दे की बात रही तो जो हम जिन मुद्दे पर लड़े थे, शिक्षा, रोड और स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इन मुद्दे पर हम चुनाव लड़े। सड़कों की स्थिति बदहाल है आपके इलाके में और थोड़ी सी भी इमरजेंसी पे मरीजों को रेफर कर दिया जाता है, ये सिस्टम आप बदल पाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि अब तो हमारा शासन भी है, मुख्यमंत्री भी हमारा कमलनाथ जी है, तो हम बिल्कुल हम ये दूर करेंगे। महेश भाई, रणनीति आपने बहुत अच्छी बनाई थी, बड़ी सफलता मिली, क्या रणनीति थी आपकी, किन किन मुद्दों के साथ आप जनता की? हमने सबसे पहले तो स्वास्थ्य, बिजली, पानी और शिक्षा के मामले में और बेरोजगार, ये कई मुद्दों पे हम पूरे विधानसभा में गए और पूरी कार्यकर्ताओं की इतनी ताकत थी कि जो 276 बूथ पे ऐसे हमने कार्यकर्ता तैनात किए, जो कि भारतीय जनता पार्टी को वहाँ से हमने घुसने नहीं दिया कई कई इलाकों में। और जो 15 साल का जो भारतीय जनता पार्टी ने जो भ्रष्टाचार था, तो वो पूरे मुद्दे हमने हर एक बूथ पे जाके उठाए और हम वहाँ पे एक एक बूथ पे 300-400 की लीड ली और 22,000 के करीब हम जीते। और पूरा विधानसभा के कार्यकर्ताओं का अच्छा मजबूती से काम हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने के लोग गुंडे, बदमाश कई लोगों को लगाया, लेकिन हमारे कार्यकर्ता कोई डरने की डरे ही नहीं और रात को भी उनको नहीं घुसने दिया। मतलब आप बूथ मैनेजमेंट करके जीते हैं? जी बिल्कुल, बूथ मिनट और पूरा हमने भ्रष्टाचार, इनका 15 साल का पोल खोला और इसमें हमने कई मतलब पोल खोले। अच्छा, 22,000 के करीब आप जीते हैं, लोकसभा 100 दिन बाद ऐलान होगा, बिल्कुल हम अलीराजपुर विधानसभा से भारी लीड मिलेगी कांग्रेस को और हमेशा अब कांग्रेस को लीड ही मिलती रहेगी। चलिए, सेना पटेल मैडम हमारे साथ में है, नगर पालिका अध्यक्ष हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? जी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है हमें, क्योंकि हमारा 15 साल का जो वनवास था वो ख़त्म हो गया है और विधानसभा 191 में आज मैं मीडिया कर्मियों को और हमारे विधानसभा 191 के एक एक मतदाता को, एक एक कार्यकर्ता को, पूरी कांग्रेस पार्टी को और सभी को मैं बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। यह जीत हमारी पटेल परिवार की ही नहीं, यह जीत हमारे कार्यकर्ताओं की, मतदाताओं की जीत है। साथ ही मैं पूरे प्रशासन को भी बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, उन्होंने निष्पक्ष चुनाव कराया। मतदान कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि कई सालों से हम लोग परेशान हो रहे थे, प्रशासन भी वन वे साइड ही काम कर रहा था, मुझे तो बहुत ज़्यादा ही परेशानी में डाला गया था, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ, मेरा परिवार भी बहुत खुश है और हम अब बहुत अच्छे से काम करेंगे, जनता का एक एक काम करेंगे और जनता के साथ जो जो हमने वादे किए वो पूरे वादे हम निभाएंगे। हमारी गवर्नमेंट भी बन गई है और यहाँ पर भी हमारा सब कुछ है, तो अब हम जनता के लिए हमेशा सेवा की है और आगे भी सेवा करते रहेंगे। धन्यवाद। तो आपने विधायक मुकेश पटेल, महेश पटेल और सेना पटेल मैडम को सुना और बातचीत का निचोड़ यही है कि उन्होंने बूथ मैनेजमेंट करके चुनाव को जीता है, जनता के मुद्दों को उन्होंने उठाया है और लोकसभा में एक बड़े अंतर से चुनाव जीतने का दावा किया जा रहा है। अलीराजपुर जिले की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए अलीराजपुर लाइव के साथ।